ना समोसा ना कचौड़ी और ना ही पूड़ी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूँ के आटे से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं, और इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले आलू लिए हैं। आलू को हमने कद्दूकस करके लिया है, आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। आलू में एक भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब इन्हें बाउल में डाल देते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पाव भाजी मसाला। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें गर्म मसाला या फिर सब्जी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, आलू का मिश्रण बनके तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइस लिए हैं, अब ग्लास से इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन आज मैं इनको गोल शेप में काट रही हूँ। इसी तरीके से हम बाकी के ब्रेड भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे ब्रेड स्लाइस को काट लिया है, अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और इनके लिए घोल तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कप गेहूँ का आटा लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तिल, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे देखने में अच्छे लगते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें घोल बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इस तरीके का घोल बना के तैयार करना है। तो मैं आपको अब चम्मच को उल्टा करके दिखाती हूँ, इस तरीके से ये कोट हो रही है, इसी तरीके का घोल बना के तैयार करना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 ब्रेड स्लाइस ली है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा टमाटो सॉस इस तरीके से लगा देंगे, आप चाहें तो इसकी जगह पीचा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने जो आलू का मसाला बना के रखा है उसमें से 1 चम्मच मसाला इस पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला हम इस पर नहीं लगाएंगे। अब हम इसको प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के ब्रेड भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए तो झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारे बना कर तैयार कर लिए हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इनमें से 1 ब्रेड लेंगे और जो हमने आटे का घोल बना के रखा है उसमें डाल देंगे और चम्मच की मदद से इस तरीके से कोट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें इन्हें बहुत देर तक घोल में डिप करके नहीं रखना है, वरना ब्रेड टूटने लगेगी। साथ ही हमने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको हम तेल में डाल देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितने आए उतने ही डालिएगा। अब फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको एक तरफ से सेकने देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो हम इनको इस तरीके से पलट लेंगे। तो दोस्तों, हमें इन्हें ना तो हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ना ही लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने से ये ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इनको दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं और इनको अलटते पलटते हुए हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो इनको सिकने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, अच्छे से सिक जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इन्हें बनाना जितना आसान है खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर जब कभी भी कोई मेहमान आ जाए झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, इससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।